उदाहरण 6। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला है। हल। माना कि BC भवन है तथा बिंदु A पर लड़का खड़ा है। BC बराबर 30 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब हमारे पास है BC और आधार है त्रिभुज में AC। अब हम जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है 1/√3 बराबर BC हमारे पास दिया है, यह 30 मीटर बटा AC। तिर्यक गुणा करेंगे तो AC बाएं पक्ष पे जाएगा, 1 से गुणा होगा तो यह बना AC और वर्गमूल 3 को तिर्यक गुणा करेंगे बाएं पक्ष पर तो ये हो जाएगा 30√3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 अंश लेंगे। tan 60 अंश तो लंब जो है हमारे पास है BC और आधार है हमारा CD। अब हम जानते हैं कि BC का मान 30 है तो tan 60 अंश लिखेंगे हम बराबर BC हमारे पास 30 है बटा CD। tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर 30 बटा CD या CD बराबर हमारे पास आएगा 30√3। आगे देखते हैं, हमें प्राप्त हुआ था CD बराबर 30√3 या हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 30√3 गुणा √3 बटा √3 या 30√3 बटा 3। तो इस तरह से हमने CD का मान ज्ञात किया, 3 × 3 = 30, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो CD का मान हमने 10√3 मीटर ज्ञात किया, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी 3 AD बराबर AC ऋण CD। अब हमने AC को ज्ञात किया था 30√3, ऋण CD का मान हमने यहाँ ज्ञात किया 10√3, तो हम CD के स्थान पे 10√3 लिखे और 30√3 में से 10√3 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 20√3 मीटर। अतः लड़का भवन की ओर 20√3 मीटर चला।
तो हमने याद किया कि लड़का भवन की ओर 20 वर्गमूल 3 मीटर चला। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।